ये खामा खा की जिद छोड़ दो अबू इसहाक, मैं जाने वाला नहीं हूँ। जाने वाले नहीं हूँ, तुम्हारे एक पांव कब्र में लटका हुआ है। हाँ, जज़ाकअल्लाह खैर है। मुझे ये जानकर खुशी हो रही है कि अभी तक तुम्हारे होश ठिकाने पर हैं। मैं दुश्मन को पीठ दिखाने, घुटने टेकने और फरार करने वालों में से नहीं हूँ। तो ये कहो कि मर जाने के लायक ही हूँ। बंदर खुदा, अब मुझे दुनिया का चौकीदार तो नहीं बनाना। मेरी तमन्ना थी कि कातिलाने हुसैन की जिल्लत रसवाई को देखूं, जो कि मैंने देख ली। और फिर मेरी उम्र चंद महीनों के सिवा और बची ही क्या है। तुम्हें मजीद जीना होगा। जबरदस्ती की वजह? तुम्हें जिंदा रहना होगा, क्योंकि क़याम को जिंदा रहना है। आज के बाद से क़याम की बुनियादें तुमसे वाबस्ता हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। जो भी एक आलिम फाजिल शख्स होगा वो ये काम कर सकता है। हाँ, मगर ऐसा मुनसिम शख्स कहाँ है जो अदलो इंसाफ को बरकरार रखे और नफसानी ख्वाहिशात पर कुर्बान न हो जाए। सच को झूठ और झूठ को सच का जलवा न दे और अपने मजहब और मकसद का दिफा करने के लिए सच की मोहरफी न करे। तुम एक मुनसिफ, दीनदार और आलिम शख्सियत हो उबैदा, और हमारी खूबियां और खामियां तुम जानती हो। मैं थक गया हूं अब इसहाक। मैं इस कौम की हिमाकत, हुलिये और दुनिया परस्ती से तंग आ चुका हूं। तुम्हें तुम्हारी दाढ़ी की कसम है, इजाजत दे दो कि हम मिलकर ये सफर करें। बहाना तराशी मत करो। मेरे बाद आने वाले लोगों की सरनोश्त अब तुम्हारे हाथों रकम होगी। तुम्हें रुकना होगा और मुख्तार और उसके क़याम को जैसा कि वो था दुनिया को बताना होगा। से नहाना और वो भी सबके सामने बिना वजह नहीं हुआ। कहां जा रहे हो अब्दुल रहमान? मैं अपने कायद की पैरवी करते हुए उसने शहादत करना चाहता हूं। एक साल से हमने बीवी बच्चों की शक्ल नहीं देखी। जहाद जहाद करने से सवाब और माल गनीमत मिलता है। एक साल का सवाब हमारे सात पुश्तों के लिए काफी है। माल गनीमत को भी ठुकाने के लिए तैयार हैं हम। आखिर कब तक ऐसे दयार में सरगर्दा रहना होगा जहाँ के लोग जरा सी भी मुसलमानों की खूबू नहीं रखते। एक मुजाहिद को बाप के कातिल की नजरों से देखते हैं। उनकी आंखों से नफरत बरस रही है और उनके होंठों पर वो मुस्कुराहट है जो ढेरों ढेर गालियों से बदतर है। तुम क्यों इतना उछल रहे हो? क्योंकि मैं नहीं हूँ, मैं इस कौम की जबान हूँ। अच्छा, तो ये हंगामा आरई इज्तिमाई है? हंगामा आरई नहीं है शहजादे, ये मुजाहिदीन की एक शरई जिम्मेदारी है उनके अमीर से। कम उबेश दो महीनों से हमने इस कुफर के महल का मुहासरा किया हुआ है और उसे फतह करने के लिए टाल मटोल कर रहे हैं। क्यों? ये एक जंगी राज है मुजाहिद। क्या तुम लोगों की उम्रा अपनी जंगी इसरार का ऐलान करते फिरे? जी नहीं, हम ये चाहते हैं कि हमारे उम्रा बैठे ना रहे ताकि दुश्मन वो ना कर गुजरे जो वो चाहता है।
मैं महल के तमाम तर मुहाफिजीन से दोस्ती कर चुका हूँ। लम्हा ब लम्हा उनसे गुफ्तगू की है मैंने, उनको बहुत कुरेदा है मैंने। वो लोग तो बहुत खुश हैं, डट के खाते हैं, मजे से सोते हैं और इस इंतजार में है कि गुर्बत हमारी कमर तोड़ दे। ये झूठ है बंदा है खुदा, ये लोग तुम सबको ज़हनी शिकस्त देना चाहते हैं। अगर सारा कसरे कूफा खाने पीने से भर दिया जाए तब भी इन 7,000 लोगों को नहीं पाला जा सकता जो इसमें कैद हैं। सुना है कि महल के अंदर कुछ मख्फी गोदामों तक रसाई हासिल कर ली है जो खाने पीने से भरपूर है। खुदा की पनाह, तुम मानते हो इस बात को? अजायबा के मुख्तार को देखने के बाद तो जरूर मानता हूँ। तो अहलो अयाल से दूरी का गम कौम बनी इसराइल की मनोसलवा की सी दास्तां है। तो हजरत इबलीस हमें बहका रहे हैं ताकि मुख्तार के मौजात को मान जाएं, बाकी सब बातें बहाना है। अमीर, ये बेदीन और कज़ाब मुख्तार इस तवील मुहासरे के जरिए हमें थका देना चाहता है। अगर वो हार मारने वाला होता तो अपनी नामूस को दुश्मन की तलवार की जब्त के न छोड़ता। शाबाश मुजाहिद, शाबाश। मैं भी एक मिले जुले नतीजे को पहुंचा हूं। ऐसा लगता है कि मुख्तार की गिरा हाथ से खुलने वाली नहीं है, उसे दांतों से खोलना होगा। माफी चाहता हूं अमीर, मेरा मकसद सच्चाई का कोई जवाब नहीं होता। मुसलमान, हमने शरीयत मुकद्दस के हुक्म के मुताबिक इस मुल्हिद को एक तवील मोहलत दे दी ताकि इजहार अफसोस कर ले। मुल्हिद को अफसोस नहीं हुआ, उसने तौबा की ना घुटने टेके और जो हमारे सब्र की जिम्मेदारी तमाम हुई। खुदा ने चाहा तो कल मगरिब से पहले पहले मुख्तार के मौजजात और उसके नाकाबले शिकस्त होने के अफसानों को झूठा साबित कर दूंगा। इब्ने हुर, मैं हाजिर हूं अमीर। मंजदीक से महल के खोलते हुए पानी के मटकों को तोड़ दो ताकि महल के दरवाजे पर हमला करने का रास्ता खुल जाए। जी अमीर। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्ला। ये दुनिया अपने तमाम तर फैलाव के बावजूद एक दिन मिट जाएगी और चांद सूरज सितारे अपनी तमाम तर रोशनी के बावजूद खत्म हो जाएंगे। ये पहाड़ अपने तमाम तर गुरूर और बुलंदी के बावजूद एक दिन रेजा रेजा हो जाएंगे और समंदरों का नीलापन खत्म होकर सारा पानी उबल जाएगा और जंगलात का हरा रंग सुर्खी में बदल जाएगा, बिल्कुल पिघले हुए लोहे की तरह। ऐसे वक्त में इंसान उस मकोड़े की मानिंद होगा कि जिसके घर में पानी आ गया हो और वो परेशानी के साथ पुरम जगह की तलाश में दौड़ता है और दौड़ता है और दौड़ता है कि कहां है जन्नतुल मावा। एक पुल को अपने और खुदा के दरमियान हाइल देखता है और ये पुल
ये पुल कभी चौड़ा होता है और कभी बारीक, कभी फैला हुआ और कभी पेचोखम वाला, कभी तेज धार वाला, लड़खड़ा देने वाला। इस दुनिया में आमाल ही उसकी कैफियत और नौयत का तायुन करते हैं। जालिम हाकिमों के लिए बाल की तरह बारीक होता है और कदम लड़खड़ा देने वाला, लड़खड़ा देने वाला। उस रोज हमारे तमाम आज़ा और जवारे हमारे अदल इंसाफ या फिर नाइंसाफी की गवाही देंगे, और कोई अमल, कोई भी अमल नाइंसाफी से ज्यादा हौलनाक नहीं है। आप लोगों ने कुछ अरसे अपने मामलात की बागडोर को मुख्तार इब्ने अबू उबैद सकफी के सुपुर्द किए और आपने ये चाहा कि वो आपके दरमियान अदल व इंसाफ से हुकूमत करे। जहां तक मुझसे हो सका मैंने आपके हक के लिए तगोदो की और अदल व इंसाफ की राह की आफतों से लड़ता रहा। मैं जो भी था और जो भी हूं मेरा खुदा बेहतर जानता है। नापाक अजायम वाले कजाब कहते हैं और अहले जुल्म जूर मुझे दुनियादार और जालिम कहते हैं। जो खता से मबर्रा है वो सिर्फ खुदा का वली और वसी ही हो सकता है। मुमकिन है कयाम की राह में मेरे कदम लड़खड़ाए होंगे और कहीं मेरी जबान फिसल गई होगी, शायद कानों ने न सुना हो या आंखों ने नजरअंदाज कर दिया हो। खुदा से इल्तमास है कि वो मुझे बख्श दे, और खुदा अरहमर राहिमीन है। आज मैं धोखे के खिलाफ लड़ने जा रहा हूं, जो दिन के लिए सबसे बुरी आफत है। धोखा परहेजगारी और दयानत के लिबास में मैदान में आता है। धोखा वो दो रुखी तस्वीर है कि जिसके एक जानिब खुदा का नाम और दूसरी जानिब इब्लीस का नक्श बना हुआ होता है। अवाम खुदा वाले हिस्से को देखती है और अहले मार्फत इब्लीस वाले हिस्से को। और क्या क्या जख्म दिल खाए हैं मौला अली ने। इस सर बसजूद और आयत पढ़ने वाली कौम और बज़ाहिर दीनदार कौम के हाथों। या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू। मैं वादा करता हूं कि अगर कियाम के शुरुआत के दिनों की तरह तलवार चलाओगे तो कामयाब रहोगे और तो के बाद दुश्मन पर गलबा पालोगे। आप लोगों के दरमियान मुमकिन है ऐसे अफराद भी होंगे जो घुटने टेकने का इरादा रखते होंगे। मैं इनके सरों से अपनी बैत उठा रहा हूं और इतमाम हुज्जत कर रहा हूं कि धोखा आप लोगों को अमान देगा ताकि आपकी मुकावमत को तोड़ सके। लेकिन गलबे के बाद कोई शक नहीं वो जरूर आपके सर कलम कर डालेगा। वम्मा बिनेमते रब्बे का फहदिस। क्या अमीर वाकई मैदान में जाना चाहते हैं? जैसा कि नजर आ रहा है ऐसा ही है। हमारे तवील मुकाबले ने दुश्मन के घुटने टेक दिए हैं। मुझे पक्की खबरें मौसूल हुई हैं कि कूफे के लोग जुबैरियों की फौज की मौजूदगी से तंग आ चुके हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो दुश्मन मजबूरन हिसार खत्म करके पीछे हट जाएगा। क्या तुम्हें यकीन है? वही इसी बात का तो एहतमाल है। जुबैरी लश्कर के सिपाही कूफे में अजनबी हैं, उन्हें घर बार बीवी बच्चों की भी तो याद आती है ना, और फिर खाने पीने का इंतजाम भी उनके लिए दुश्वार काम है। यूं समझो कि हमने दुश्मन की खाल उतार दी है, बस जरा सा काम रह गया है, अब उसे जाने देना ठीक नहीं। अमीर से बात कर लो, शायद तुम अपने दलाइल से उन्हें कायल कर सको।
अमीर मेरी निस्बत तुम्हारी बात ज्यादा सुनते हैं। मुझे माफ करो इस्माइल, मुख्तार जहाद के मामलात में मुझसे ज्यादा आलिम फाजिल है। मेरा फरीजा उसकी इक्तदा करना है। तलवारों और नेजों के दरिया में छलांग लगाना कोई जहाद नहीं, खुदकुशी है। क्या ये उस शख्स का अकीदा है कि जिसका दावा है कि उसके पेशवा हुसैन इब्न अली हैं? तुमसे बईद है कि एक उम्र जहाद करने के बाद जुबैरियों की इसी मंतक में बात करो। बस रुक जाओ अमीर, अगर फासला ज्यादा हो जाए तो गोले की शिद्दत कम हो जाएगी। करीब हो तब भी तुम्हारा गोला सही वार नहीं कर सकेगा। दरवाजे के ऊपर खोलते हुए पानी के मटके देख रहे हो, उन मटकों को मारना है। काफी है, निशाना बनाओ, घुमाओ, बस तैयार हो। दरवाजा खोलो। क्या करना चाहता है? खुदकुशी, अपना कफन भी पहन चुका है। जाफर की राय ठीक है मोहल्ला? मुख्तार मैदान में इसलिए आया है कि रजस्खानी करे, हो सकता है वो तुम्हें भी मुकाबले के लिए बुलाए, तुम्हें तैयार रहना चाहिए। मेरा दिमाग खराब नहीं है जाफर, इंतहाई शोर मचाओ ताकि वो हल मिन मुबारिस का नारा ना लगा सके। ये लोग जानबूझकर ये आयत पढ़ रहे ताकि आप कोई बात न कर सकें। खुदा का शुक्र है कि मैंने धोखे को पहचानने में गलती नहीं की। कहाँ जा रहे हो बेवकूफो? अपनी जान प्यारी नहीं है तुम लोगों को? हटो पीछे।
खुदा कसम ये लोग कल तक बकरियों के रेवड़ की तरह ज़िबाह कर दिए जाएंगे। देख लिया ना अमीर की पैशन गोई ठीक थी। जो भी मर्दाना वार मरने की इज्जत को इन जल्लों के रहम करम पर जीने पर तरजीह देता है वो रुक जाए। मुख्तार की वसीयत को मत भूलना। अनकरीब तुम लोग पछताओगे कि अपने अमीर की बात को क्यों नहीं मानी और एक झूठे वादे पर सर तस्लीम खम कर दिया। मैंने मुख्तार से सुना है कल एक बड़े कत्लेआम में तुम सबकी गर्दनें उड़ा दी जाएंगी। साहब, ये लोग इंसान हैं, भेड़ बकरियां नहीं। अगर मुसब 7,000 असीरों के सर कलम करना चाहे तो उनके खून के सैलाब में डूब जाएगा। तो तुमने धोखे को पहचाना ही नहीं है इस्माइल? धोखे को पहचानता हूँ मैं साहब, मगर मुझे एतराफ है कि मैंने मुख्तार को नहीं पहचाना।
फिर कहीं तुम मेरी हमेशा की साथी। Thank you.
हाँ तारिक, इसके सर की क्या कीमत होगी? मुख्तार का सर संगीन है तारिक, कायदे के मुताबिक तो इस सर के हम वजन सोना दिया जाना चाहिए। अगर मैं गलती पर नहीं तो मेरे ख्याल से ये मक्कल अली में मरना चाहता है। इस कुर्सी के सजाने वाले आप हैं? अमीर इस काबिल समझते हैं तो जी बिल्कुल। तंग तो नहीं करती? अच्छी सवारी है ना? हर सवारी की अलग खासियत होती है। आप सवारी को पहचानने वाले हैं अमीर। इस सवारी को मुहार करना मुख्तार को शिकस्त देने से ज्यादा मुश्किल नहीं है। सवार हो जाएं इस पर, मजे उड़ाइए।
मार डाला हमने, सकफी कज़्ज़ाब को मार डाला। अमीर, हमारे तमाम तर मुखालफिन कैद कर लिए गए हैं। अरब और अजम हाथ बांध कर अमीर के हुक्म के मुंतजिर हैं। तादाद 7,000 अफराद पर मुश्तमिल है। इन सबको कत्ल कर दो। ये खून का सैलाब इनके घरों को बहा ले जाएगा। इस मुंह तोड़ जवाब के बाद हमारा कोई रकीब नहीं होगा। हसन, तुमने बनी जुबैर को हथियार करके दुनिया और आखिरत दोनों का खसारा कर दिया। मतलब तुमने उसका साथ दिया है जो बेगैरतों का नाम रोशन करेगा। इस कुर्सी नशीन का फातिहा भी पढ़ लो अबू मुफलिस, ये तो हद से कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। आज मैं धोखे से लड़ने जा रहा हूं जो दीन की बदतरीन आफत है। धोखा परहेजगारी और दयानत के लिबास में मैदान में आता है। धोखा एक ऐसी दो रुखी तस्वीर है कि जिसके एक जानिब खुदा का नाम और दूसरी जानिब इब्लीस का नक्श बना हुआ होता है। धोखा आप लोगों को अमान देगा ताकि आपकी मुकाबिमत को तोड़ सके, लेकिन गलबा पाने के बाद कोई शक नहीं वो जरूर आपके सर कलम कर डालेगा। कसम, अगर ये लोग भेड़ बकरी होते और मुसब के बाप और दादा की जागीर होते, फिर भी सबको मारना महज इसराफ होता। अहलन वसहलन जायदा, हमने देर तो नहीं कर दी। तन्हाई की जरूरत है इब्राहिम, ऐसी खबर है जो सिर्फ तुम्ही को सुननी चाहिए। क्या हुआ है जायदा? अबू इसहाक ने तुम्हारा बहुत इंतजार किया, तुमने देर कर दी इब्राहिम। कूफे से मुसल की जानिब आते हुए खबर मिली है कि क़याम का खात्मा हो गया है। अबू इसहाक कहाँ है? खुदा की रहमत की बारगाह में, अलबत्ता साबित को अभी तक मालूम नहीं। भाईजान,
मैंने तमाम हुज्जत कर दी। अच्छा ही है कि खुदा मुझे शक करने वालों और बदनीयतों से बेनियाज रखे। रुक जाओ अबू इसहाक, हाथ बढ़ाओ अबू इसहाक। अबू इसहाक, मेरा दिल चाहता है कि मालिक के नाम को जिंदा कर सकूं। मालिक अश्तर मरे नहीं है, उनका नाम कयामत तक शियों के लिए सर का ताज रहेगा। हमें कुछ ऐसा कर गुजरना होगा कि हम तारीखों में खो ना जाएं। अबू फजल अब्बास के नाम पर जो कमरे बनी हाशिम है और उस वाक्य की बरकतों के तहत जो तुमने मुझे सुनाए हैं चौथी की रात की चांदनी में, कि जब अब्बास आसमान में जगमगा रहे होंगे, हम दुश्मन पर हमला कर देंगे। तुम्हारी हुकूमत में अगर मौला अली की रंगो बू ना होती तो उसकी कोई कदर कीमत ना होती। हम दीन अली को बर्पा करने के लिए उठे हैं, अदल अली को जिंदा करने के लिए उठे हैं। हर सवारी की शान के मुताबिक उसकी जीन होती है अबू इसहाक। इस हसीन और जमील महल में तख्त के बजाय एक सादी सी कुर्सी रखना एक बेजोड़ सी बात है। हम चंद दिनों से ज्यादा इस महल के मेहमान नहीं हैं इब्राहिम। हमारी हुकूमत का ये बच्चा जब पांव पांव चलने लग जाए तो हम अपना बोरिया बिस्तर समेट लेंगे और एक सादा इमारत में जाकर वहीं से हुकूमत चलाएंगे। ऐ लोगो, ऐ मोमिनो, ऐ खुदा के मुखलिस बंदो, अगर आप मुझे अपना अमानतदार समझते हैं तो मेरे हाथ पर कुरान, सुन्नत नबवी और अली इब्न अबी तालिब की तरीकत और कातिलाने अहले बैत रसूल का किसास की बुनियादों पर बैत कीजिए।